नरसिंहपुर के वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार से राष्ट्रीय पोषण दिवस पर जिंदगी के खुशियों का यही है आधार, खाने में शामिल हो ढेर सारा पोषण आहार की थीम पर पोषण आहार सप्ताह मनाया जा रहा है। रेलवे के मेडिकल ऑफिसर रामरतन कुर्रे द्वारा जागरूकता शिविर में आए हुए लोगों को बताया गया कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का लक्ष्य एक स्वस्थ राष्ट्र बनाना है। उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति मन और तन से स्वस्थ है तो कुछ भी कर सकता है। बेहतर स्वास्थ्य और सुपोषण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 1 सितंबर से राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जाता है। देश में आज भी बहुत से बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जिससे बच्चों में फेफड़े की टीबी होने का संभावना बढ़ जाती है। सरकार के द्वारा की गई पहल में पोषण और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के साथ संतुलित जीवन शैली पर जोर दिया गया है। इस जागरूकता शिविर में पहुंचे लोगों ने बताया कि उन्हें पोषण आहार से संबंधित वो जानकारी यहां बताई गई, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और इसके दुष्परिणाम भविष्य में भोगने पड़ते हैं। हॉस्पिटल में पोषण दिवस पे डॉक्टर साहब के द्वारा हमको जानकारी दी गई कि अगर कोई कुपोषित बच्चा है तो अगर हमको कहीं दिखता है या मोहल्ले पड़ोस में है तो हम उसको अपने करीबी आंगनबाड़ी में बता सकते हैं कि आप वहाँ जाइए, डॉक्टर से मिलिए, तो पोषण से जो जो भी कमी है वो आपको वहाँ पूर्ति होगा। और अपना अच्छा खाने में डाइट अच्छा रखिए, न्यूट्रिशन, मिनरल्स और ये सारी चीज़ें लीजिए, तो ये सारी बातें हमको बताएगी। 1 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर तक पूरे विश्व भर में राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया जा रहा है, जिसका जो थीम है वो है जिंदगी की खुशियों का यही है आधार, खाने में शामिल हो ढेर सारे पौष्टिक आहार। ये हमारा जो थीम है 2021 का, इसके अंतर्गत हमें सभी कुपोषित बच्चे या जो भी जहाँ पे कुपोषण का ज्यादा शिकार हो रहे हैं वो सभी जगह हमें पूरा मिल करके हमारे देश में जहाँ जहाँ भी हो आवश्यकता हो हमें कुपोषण को निश्चित रूप से दूर करना है। साथ में जो भी बच्चे कुपोषित मिलते हैं उसको ज्यादातर टीबी होने का चांसेस रहता है, क्योंकि न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होता है, पेट में कृमि होने से भी काफी कमजोर हो जाते हैं। तो भारत सरकार सभी जगह स्कूल में या आंगनबाड़ी में सभी जगह एक विशेष कार्यक्रम चला रहे हैं सप्ताह भर में, जिससे हम कुपोषित बच्चे को एक अलग से मॉनिटरिंग कर सकें और उसको तुरंत इलाज दिया जा सके और उस कुपोषण को दूर किया जा सके। कुपोषित रहने वाले बच्चे को सबसे पहले हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या जहाँ भी वो आइडेंटिफिकेशन किया जाता है।